तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संगीता हीलिंग टेम्पल्स। और ये लाइव सेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग। तो टैरो कार्ड रीडिंग की इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, क्योंकि आपने सीख तो लिया है एक एक टैरो कार्ड का। रश्मि जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से मन लगा के सीखा है, अब हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो मैं इसी तरह से अपने सेशंस कंडक्ट करती हूँ कि पहले मीनिंग्स और सेशन आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है विद इन अ मंथ कि आप एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर बन जाते हैं। क्योंकि टैरो कार्ड रीडर को अपनी इंट्यूशन पे, अपनी नॉलेज दोनों को रिलाई करना है। ये नहीं कि जैसे टैरो कार्ड आपने सीख लिए हैं, रट लिए हैं तो वही मीनिंग होगा। नहीं, आपको अपनी इंट्यूशन पावर से इंटरप्रिटेशन देनी है। तो रश्मि जी, हम क्या प्रश्न पूछने वाले हैं? मेरे पास कि चलो एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक अपकमिंग वेडिंग आ रही है, तो उसमें मुझे किसी क्लोज रिलेटिव की है, तो उस वेडिंग में मुझे दो ऑप्शंस लीजिए कि मुझे 1 to 2 लाख रुपीज़ तक का देना है, तो 1 to 2 लाख रुपीज़ का देना चाहिए या अबव 2 लाख रुपीज़ का गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि वो एक क्लोज रिलेशनशिप में है। दो कार्ड निकालने के लिए ना हाँ, तो दोनों में से मुझे कितना वो ठीक देना ठीक रहेगा, मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। तो मैं को दो कार्ड्स निकलवा रही हूँ कि चॉइसेस का कार्ड है, तो कौन सी चॉइस बेटर रहेगी कि गिविंग बिटवीन 1 to 2 लाख, क्योंकि वो मेरे घर फैमिली के ही कोई है बच्चा, तो उसको मेरे को सपोर्ट करना है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मैं करना चाहती हूँ। तो मेरे को लग रहा है, हालांकि मेरे लिए अगर मैं 2 से ऊपर जाती हूँ तो मेरे को तकलीफ होगी, बट फिर भी मैं सोच रही हूँ कि क्या करना चाहिए। तो रश्मि जी हैं, दो कार्ड्स निकालेंगी और मुझे बताएंगी, मुझे एडवाइस करेंगी कि कौन सा कार्ड आता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। टैरो मुझे बताएगा कि क्या अप्रोप्रिएट है। दीदी, आपका पहला कार्ड तो आया है कि आपके पास सब है, मतलब सब चीजें हैं, हाँ तो हाँ आप दे सकते हो और आप देना भी चाहते हो। ठीक अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, कार्ड। ये तो हाँ ठीक है। हाँ, आप देना चाहते हो, बट दूसरा ये है, आपको बताता है कि थोड़ा सोच समझ कर दीजिए। फूलिशली नहीं करना कि सब कुछ अपना लुटा के होश में आए तो क्या किया, तो फूलिश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सोच बढ़िया, समझ यही के मेरी मेंटल स्टेट थी, कमाल का। रश्मि जी, तो आप बहुत अच्छी टैरो रीडर बन गए हो 1 महीने में, दीदी, आपका ही आशीर्वाद है, आपका ही साथ है। पर आपने मैं तो बहुत अच्छा आपको इंटर। धोखा देके बिल्कुल, ही आगे बढ़ रहे हैं देखो, आपको तो मेरे मन की बात पता नहीं थी, आपको कैसे पता चली मेरे मन की बात? दी। आपने कार्ड ही बोल रहे हैं, इन्होंने बोल दिए सब कुछ। देखिए, कार्ड्स ने बोल दिया, पोल पट्टी खोल दी, तो ये बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा कार्ड है। और तो कुछ और अब आप, ज्यादा आगे मत बढ़ो, आप जितना सोच के बैठे हो आप उतना ही ठीक है। हाँ देख लीजिए कितना अच्छा मेरे को डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो गई इनकी रीडिंग से। तो अब आप प्रोफेशनली कर रहे हो या नहीं कर रहे हो लोगों की हेल्प? जी बाबा, हो जाएगा, थोड़ा कुछ टाइम जा रहा है, बस हो जाएगा। चलिए, एक और कोई प्रश्न लो। अब ये गुजरात के जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसी के बारे में ये बोलना वेरी चाहते गुड, हैं। गुजरात के इलेक्शंस के बारे में पूछते हैं, तो गुजरात में देखते हैं कि केजरीवाल आएगा या मोदी आएगा। जी मैं कार्ड लेती हूँ मोदी जी का, कि मोदी जी की जीत होती है या देखो, ये आप है ना मोदी सरकार। भक्त, तो ये कार्ड देखो, कई बार अपने इमोशंस आ जाते हैं, तो पहले है ना बिल्कुल अपने मन को शांत करो, क्योंकि कई बार टैरो रीडिंग करते वक्त अपने इमोशंस आ जाते हैं। मुझे पता है आप मोदी भक्त हो, तो आप न्यूट्रल नहीं होंगे, तो कई बार कार्ड ऐसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इंटरप्रेट करूंगी, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा नहीं, आपके इमोशंस आ रहेंगे क्योंकि आपकी बहुत अटैचमेंट है। चलिए जो ठीक है दीदी, मैं फिर वही करती हूँ ना, कि आप इसमें पहला कार्ड मोदी जी का है, दूसरा केजरीवाल का है, कि ठीक कौन है, पर जीतती पहले पहले है। यहां पे आपकी अटैचमेंट है, तो अपने आप को ब्लैंक करिए कि मैं अटैचमेंट छोड़ती हूँ। ऐसे करोगे तो ज्यादा क्लियर आंसर आएगा। आप ब्लैंक हो जाओ, अपनी अटैचमेंट छोड़ो, अपनी 2-3 मिनट सांसों पे ध्यान दीजिए, ताकि आप ब्लैंक हो जाएं, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। ठीक, ओके दीदी। मैं भी निकाल रही हूँ, देखते हैं, मैं भी निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं केजरीवाल के लिए भी न्यूट्रल हूँ और मोदी के लिए भी न्यूट्रल हूँ।
तो मैं भी शफल कर रही हूँ और हम दोनों देखते हैं। ओहो मेरा तो आंसर आ गया, आप बताइए आपका क्या आंसर आ रहा है। मेरे तो ये आया है मोदी जी के लिए कि देखो आपको आगे बढ़ना है, कांटे की टक्कर है, अभी कुछ कह भी नहीं सकते मगर आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, कांटों हाँ भरा ताज अभी है आपके साथ, तो मतलब एकदम से क्लियर नहीं है कि आप जीतोगे ही जीतोगे। अच्छा, और दूसरा कार्ड दूसरा केजरीवाल जी के लिए है कि वो लगे पड़े हैं बैलेंस करने में। अच्छा, तो देखिए मेरा कार्ड आया, वर्ल्ड का कार्ड आया मोदी जी के लिए, जो टॉप का कार्ड है। आप खुश होंगे जरूर, मैं खुश नहीं हुई। तो जीतेंगे तो मोदी जी ही। मेरा जो कार्ड आया है वो मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि हमारी ऑपोजिशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए, मेरा पर्सनल व्यू है। बट ठीक है, जो भी, क्योंकि उनके पास पावर है, सब कुछ है, तो गुजरात में मोदी मेरे कार्ड में आ रहा है बहुत, क्योंकि शायद मुझे नहीं पता, हो सकता आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर मैंने कार्ड निकाला है। तो मेरा तो वर्ल्ड का कार्ड आया था, और दूसरा आया था पेज ऑफ सोर्ड्स। केजरीवाल के लिए आया पेज ऑफ सोर्ड्स, और मोदी जी के लिए आया पेज ऑफ सॉरी वर्ल्ड का कार्ड आया। तो मोदी जी श्योर श्योर जीत रहे हैं। चलिए, तो दीदी इलेक्शन है तो होता रहता है, इसका तो तो ये दोस्तों, इन सब ऐसी प्रेडिक्शंस के लिए आप मुझे कॉल करें 9811142249। थैंक यू।